तो ये वाला प्रॉब्लम था, तो वी विल डिस्कस ये आउटपुट क्यू आया, कैसे आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रॉब्लम, मतलब आपका बेसिक पूरा क्लियर होने वाला है इससे। तो आप ही बात करोगे, ज्यादा बोलोगे। तो यहाँ पे देखिए, देखो वाइड मेन है, तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए मेन आ गया, तो अरे यार इसको क्या हो गया, एक सेकंड में राइटिंग करो, कुछ तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, हाँ स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसने मेन मेथड मिले, इसके अंदर है तो फॉर लूप आया, फॉर लूप ने इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट है। आई रिक्वेस्ट कि सब लोग बोलोगे तभी मजा आएगा, नहीं तो आपको भी बोर होगा। इनिशियल आई की जीरो वैल्यू क्या सेट हुई, जीरो सेट हुई। उसने जीरो चेक किया जीरो लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आ गया। जे की इनिशियल वैल्यू क्या सेट हुई, जीरो। जीरो 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 बराबर है जीरो, यहाँ पे जीरो लेस देन इक्वल टू आई, यहाँ पे इक्वल टू साइन चाहिए था। मान लो जीरो लेस देन इक्वल टू आई मतलब जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आया, यस उसने स्टार प्रिंट किया। नेक्स्ट सिचुएशन में ये जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू कितना होगा, वन होगा, तो वन लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों देखो यहाँ पे बराबर, कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ। कंडीशन फॉल्स फेल हुआ इसलिए फॉल्स ये फॉल्स फॉर लूप के अंदर नहीं गया, यहाँ पे आया। इसको प्रिंट एल एन, एल एन यानी न्यू लाइन। तो आपका जो कर्सर अभी यहाँ पे था, अभी वो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, कर्सर आ गया, उसने कोई प्रिंट नहीं किया, याद रखिएगा ना। इसके बाद क्या आता है, इसके तो आई इक्वल टू जीरो तो हो गया, तो मेरा स्टार आ गया। फिर आई इक्वल टू वन आएगा, वो चेक करे वन लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, तो इसके अंदर गया, तो उसने वापिस से जे की वैल्यू जीरो सेट हुई, जे इक्वल टू जीरो हुआ, जीरो लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आया, उसने वो स्टार प्रिंट किया। अभी जे की वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए देखो यहाँ पे प्रिंट लिखा है, प्रिंट यानी नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जे की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसलिए इस फॉर लूप से जाएगा अंदर, नहीं जाएगा। अभी यहाँ पे आएगा ln, ln यानी न्यू लाइन, कर्सर आपका यहाँ पे आएगा बराबर। नाउ आई की वैल्यू क्या होगा, अभी जैसे आई की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ से वाकिस यहाँ पे आएगा, तो आई की वैल्यू अभी 2 हो जाएगी। फिर अगेन वही खेल, जे की वैल्यू 0 सेट होगा, वो चेक करेगा जीरो लेस देन इक्वल टू है क्या, हाँ है, तो स्टार प्रिंट होगा। फिर जे इक्वल टू 1 करेगा, 1 लेस देन इक्वल टू है क्या, हाँ है, फिर स्टार करेगा। फिर जे इक्वल टू 2 करेगा, 2 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन ट्रू हुआ बराबर, फिर स्टार प्रिंट करेगा। फिर जे इक्वल टू 3 आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू, कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसलिए इसके अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ से उसको पता चलेगा एल एन लिखा है, मतलब न्यू लाइन पे आपका बस कर्सर आएगा बराबर। फिर यहाँ पे आएगा, उससे पता चलेगा वैल्यू बढ़ाना है, किसका वैल्यू बढ़ा रहा है, ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट टू दैट ई एक्स्ट्रा रियल फॉर लूप आई को। अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई की वैल्यू हो गई 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते स्टार प्रिंट होता है। किसी का भी डाउट है इस केस में, हेलो। नो सर ठीक है, नो सर नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे बस मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई करता हूँ, यहाँ पे वन करता हूँ। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है मैं आपको देने वाला, आपको डिबग करके मुझे दिखाना है इसको, जैसे कुछ कुछ लोगों ने एकदम बढ़िया मुझे दिखाया। तो
कल मैंने जिस कुछ कुछ लोगों को मतलब सबको तो बोला था, सबका होमवर्क नहीं है, लेकिन जिसने किया वो बढ़िया किया। और एक चीज है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वैसे रहेगा। ठीक है, तो ये अपना स्टार पैटर्न। ठीक है, ये वाला हुआ मेरा। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसको ऐसे करते है। अभी देखो, अगर ऑब्जर्व करो ये उल्टे स्टार है, बराबर। अभी इसके लिए पहले लॉजिक दिखाता हूँ, फिर हम लोग डिबग करते हैं। अच्छा देखिए, बराबर। हम लोग अभी सोचते हैं ये आंसर क्यों है। चलो, जिसको समझ में आया होगा वो मुझे डिबग करके दिखाइए, मतलब पेज पे लीजिए, पेज पे डिबग करके दिखाइए। देखो यहाँ पे इनिशियल आई की वैल्यू क्या सेट होगी, बताइए। आई की वैल्यू 5 होगी। फाइव फिर वो चेक करेगा ये जो 5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या। हाँ है, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया। जे की वैल्यू क्या सेट हुई, वन उसने चेक किया। देखो जे लेस देन इक्वल टू आई, तो 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुआ, होगा तो कंडीशन ट्रू हाँ इसलिए अंदर आया, उसने स्टार पे नहीं किया। अभी जे की वैल्यू क्या होगा, 2 है, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट इसको रिप्रेजेंट करता है, तो जे की वैल्यू 1 से बढ़ेगी। तो 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू इसलिए अंदर आया, उसने और एक बार स्टार लगाया। तो नेक्स्ट इसमें जे की वैल्यू 3 होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसने और एक बार स्टार लगाया। फिर जे की वैल्यू 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए और एक बार स्टार। जे इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए और एक बार स्टार। जे इक्वल टू 6, 6 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसीलिए वो बाहर आ गए। एक सेकंड, अच्छा तो यहाँ हेलो, ठीक है। तो आई अभी देखो, जे की वैल्यू, जे तो फेल हुआ, जे फेल हुआ इसलिए यहाँ पे आया, उसका कर्सर यहाँ पे आया, न्यू लाइन पे कर्सर आ गया। यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, आई माइनस माइनस लिखा है। तो आई की पहली वैल्यू 5 थी, अभी क्या होगा बताइए। फोर तो यहाँ पे वो सारा का सारा चेक करेगा, तो अंदर आएगा, फिर जे इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हुआ, स्टार पिन किया। फिर जे की वैल्यू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा। जे इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हुआ, स्टार पिन किया। जे इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हुआ, स्टार पिन किया। जे इक्वल टू 5, 5 लेस इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू हुआ, कह रहे नहीं कंडीशन ट्रू नहीं हुआ इसलिए इस फॉर लूप के अंदर नहीं गया, यहाँ पे स्टार नहीं बन गया, नेक्स्ट लाइन पे आया। देखो एलएन लिखा तो आपका बस कर्सर यहाँ पे आया, बराबर। फिर यहाँ से वापिस जाएगा, तो आई की वैल्यू अभी कितने होगा बताइए। थ्री थ्री होगा, तो आई इक्वल टू 3, उसने चेक किया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है क्या। हाँ है, तो फिर जे इक्वल टू 1 होगा, वो चेक करे 1 लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देखिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो स्टार प्रिंट करेगा। तो जे इक्वल टू आएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, फिर एक बार स्टार करेगा। फिर जे इक्वल टू 3 आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3 आएगा, फिर स्टार प्रिंट करेगा। तो जे इक्वल टू 4 होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल होते इसके अंदर जाएगा क्या,
नहीं जाएगा, नहीं तो इससे अंदर बाहर आया, यहाँ पे आया, इसने एल एन लिखा तो न्यू लैंड, तो इसी वजह से कहाँ चलेगा। किसी को डाउट है अभी इस केस में? ठीक है, बढ़िया। नहीं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं। अभी हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन करना है, इसका कॉम्बिनेशन करना है, इसका भी कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, ये वाला करना है। तो जस्ट इमेजिन कीजिए इसके के लिए क्या करना है, ये वाला हमें बस ज्वाइन करना है, यस इसको बस ऊपर डालता हूँ। वाले के प्रोग्राम में सर आई की जगह आई इक्वल टू 5 इधर उधर 4 होगा कहाँ ना, आई इक्वल पे? टू फाइव ठीक है, आप अपने ऊपर कॉल है, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया था, अगर आप दो बार देखोगे ना, दो बार मेरा ये फाइव मतलब फाइव, डबल तो टू। हाँ हम लोग यहाँ पे फोर कर सकते, काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक है, ये यस सर। भी, ये भी होगा। आ गए, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट डाल हो गए। अभी इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अभी एक काम कर सकते हैं, इसको मैं निकाल देता हूँ। अभी हम लोग ये सब प्लान करते हैं, हमें कैसा चाहिए, वन वन टू, डायग्राम ठीक, ठीक है, दिख रहा है सबको? अभी इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अभी तो यही फॉर लूप अपना, वो अभी जो किया था बस पैटर्न, इसको एक बार रन करता हूँ, हमें बस एक दो चीजें चेंज करना है। स्टार स्टार स्टार, इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ता है, हम लोग यहाँ पे टेम्पररी काउंट लेते हैं, इक्वल टू वन करता हूँ। अभी समझ, हाँ जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होता है मैं काउंट प्लस प्लस करता हूँ, आए क्या देखिए, ये बस दिखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको, आया ऑलमोस्ट सेम ही है, ये बस अलाइनमेंट अच्छे से नहीं है। किसी का डाउट है इस केस में? हेलो, समझ में सबको? सर फिर से एक सर बार, फिर से एक बार दिखाइए हाँ सर, एक सॉरी, बार वापस दिखाइए। बस मैंने क्या किया, देखिए अब इसको डिबग कर देते हैं, आपको दो दो तीन लाइन में समझ में आएगा। ठीक
ठीक है, तो काउंट की वैल्यू क्या है देखिए, इक्वल टू वन, आई की वैल्यू क्या सेट हुई फर्स्ट वन, वन लेस देन इक्वल टू वन, ये क्या चल रहा है I equal to 1 आया, I less than equal to 5 आया, मतलब 1 less than equal to 5, अंदर आया, उसने चेक किया, J equal to 1 आया, 1 less than equal to 1, देखो यहाँ पे, condition true हुआ, इसलिए अंदर आया, उसने count की value क्या है बताइए, 1 है, उसने 1 print one. किया, उसके बाद ये statement execute हुआ, count plus plus, 1 की value क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा, फिर J की value 2 हो जाएगी, J की value 2 हो जाएगी, 2 less than equal to 1, condition fail होगा, condition fail होगा, इसीलिए वो यहाँ पे आएगा, आपका new line पे cursor move हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ से I की value अभी 2 हो जाएगी, 2 less than equal to 5, तो J equal to 1 आएगा, 1 less than equal to 2, condition true हुआ, condition true हुआ इसलिए अंदर आया, काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है देखिए, काउंट प्रिंट करें 2 है, फिर काउंट प्लस प्लस किया है, इसकी वैल्यू क्या होगी 3 होगी, तो नेक्स्ट लाइन में जे इक्वल टू 2 होगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए यहां पे है, काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3 है, उसने 3 प्रिंट किया, फिर जे इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फेल हुआ, कंडीशन फेल हुआ इसलिए फॉर लूप के अंदर नहीं आया, यहाँ पे आया, यहाँ से आपका कर्सर यहाँ पे, बराबर है, अभी आई की वैल्यू 2 था, अभी आई की वैल्यू कितना होगा 3 होगा, चेक करें 3 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है, अंदर आएगा जे इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हुआ, 1 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए यहाँ पे उसने देखो काउंट की वैल्यू क्या थी, 3 की जगह 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, ऐसा पूरा चलता जाएगा, किसी का भी डाउट है इस केस में, हेलो, किसी डाउट है इस केस में? नहीं सर, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या करते हैं लोग, सर हेलो हाँ बोला सर, तो काउंट याच्या साठीच घेतात का, नंबर येण्यासाठी आपला पण आपला इंटीजर? पॅटर्न ओळखायचा आहे, आपलं काय करायचंय पॅटर्न वाकायचा आहे, औषध द्यायचं असं प्रकार आहे, ओके तर इथे बघा काय केलं आपण, दिसतंय पॅटर्न सेम आहे, मग हा बघा आता फक्त तुम्हाला इथे लॉजिक थोडं चेंज करायचं आहे, बरोबर आहे, आपण मी काय करतो टेम्पररी इथलं स्टार काढतो बघा थोडं जरा, बरोबर स्टार आले, आपल्याला काय करायचं तुम्ही पॅटर्न ऑब्झर्व करा, पहिला हे जर नीट ऑब्झर्व करताना मला असं सांगायचं तुम्हाला की पहिली पूर्ण हा कॉलम आहे, ह्या कॉलम मध्ये पहिल्या कॉलम मध्ये सगळं काय ऍडरेट आहे, सेकंड कॉलम मध्ये काय हॅशटॅग आहे, ह्या कॉलम मध्ये काय ऍडरेट, एक्झॅक्टली इव्हन ऑर्डर दिसतंय, आपण तेच लॉजिक लावायचं की जर बाबा जे इफ जे परसेंट टू इक्वल टू इक्वल टू वन असेल म्हणजे ऑड असेल काय करू, प्रिंट ऍडरेट टाकायचं इथं, आलं का, अरे तुम्हाला हे सगळ्यांना आज मी जे ही फाईल देणार आहे हे सगळ्यांना तुम्हाला डिबग करायचं लक्षात, आणि मला हे करून दाखवायचं, हे कळलं ना तुमचं बेसिक कोडिंग स्ट्रॉंग होईल, ठीक आहे, आता आपण काय करू शकतो मध्ये अजून 1 2 3 1 2 1 2, आपण पुढचा प्रोग्राम करूया, 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
अब इसके लिए क्या करोगे? सेम लॉजिक, इतना वन टाका सेम वन एंड जीरो एट द रेट वन रिप्लेस जीरो। हेलो हेलो यस सर। अनिकेत आवाज काय येतोय मला, तुला काय प्रॉब्लेम आहे का? इथून बस तिला इथे पाठव, काय प्रॉब्लेम आहे आता? ठीक आहे, आता पुढे काय करता येईल आपल्याला? अजून काय करता येईल का? ठीक आहे, आय थिंक पॅटर्न चे सगळ्यांना मान्य आहे. ओके, आपण आता काय करू, थोडस अजून एक वेगळं करूया. फॅक्ट, सॉरी, सम इक्वल टू वन मायनस टू प्लस थ्री मायनस फोर प्लस फाईव्ह. चला मी सगळ्यांना 10 मिनिटं देतो, सगळ्यांनी हा करतात सगळ्यांना. सगळ्यांना हा वाला प्रॉब्लेम करता येईल का? हा आपण तुम्हाला काय करायचंय, 10 पर्यंत करायचं. ठीक आहे, बघा मला एवढं माहिती इव्हन ऑड वाला फंड आहे, आय पर्सेंट टू, मला हे 10 पर्यंत करायचंय. इंट सम इक्वल टू झिरो, सम इक्वल टू सम प्लस आय, कोणाचं हे ऑफ आहे रे, 4 येते ना, 7 चालेल मोठं. ठीक आहे, अलग फाई. आता हे तुम्ही मला डिबग करून दाखवायचं, आणि मी सगळ्यांना डिबग दाखवले, आणि सगळ्यांना हे कळलं ना, उद्या 3 वाजता क्लास आहे ऑफलाईन, बरोबर आहे? हॅलो, यस सर, ओके, यस सर. उद्या ऑफलाईन 3 वाजता क्लास आहे. माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट काय माहितीये का? माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट तुमचं नोटबुक आणि पेन. लॅपटॉप कंपल्सरी नाहीये, तुमचा कॉल आहे, पण मला तुम्हाला हे शिकवायचंय. मी तुमच्याकडे ह्याची जास्त प्रॅक्टिस करू म्हणाल डिबगिंग. एकदा तुम्हाला डिबगिंग कळालं की तुम्हाला गोष्टी ड्राईव्ह करायला इझी पडतील. कुठं चुकलं तरी तुम्ही विचार करू शकता की कुठं चुकतं ते. ओके, समजतंय? हॅलो सर, एक डाऊट होता. हा बोला ना. सर मी आजच न्यू जॉईन आहे ऍक्च्युली. सर ऐका ना, मग तुम्हाला ना युट्यूबवरचे व्हिडिओ बघावा लागेल. हा नाही, चालेल सर, मी बघतो. पण मी उद्या आल्यानंतर थोडस मला हे सांगताल ना तुम्ही, थोडं समजून. रिवाइज करायला मी कसं होऊ शकतो ह्या केस मध्ये? नाही, रिवाइज नाही म्हणत मी सर, रिवाइज नको म्हण. रिवाइज मी करून घेतो, मी युट्यूबच्या व्हिडिओ किंवा रेकॉर्डेड व्हिडिओ घेतो. हम लोग क्या करने वाले हैं, हमें व्हाइल लूप यूज करना है. तो हमारा प्रॉब्लम है कि हमें रिवर्स नंबर करना है. जैसे मेरा नंबर 1 2 3 4 5 है, तो मुझे इसको 5 4 3 2 1 करना है. तो दैट इज अवर टास्क. तो ये कैसे कर सकते हैं? व्हाइल लूप से कर सकते हैं. तो नम नॉट इक्वल टू जीरो, इसके अंदर बस 3 स्टेप है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको. इंट रिमाइंडर इक्वल टू नम परसेंट 10. ओके, रेव नम इक्वल टू रेव नम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और फिर नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाय 10. ये सब होने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिंट इट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है.
देखो आया गया, उल्टा आ गया 5 4 7। ओके अभी व्हाइल लूप का मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, व्हाइल व्हाइल लूप इज इम्पोर्टेंट। मतलब ज्यादा यूज नहीं करते, व्हाइल लूप कब यूज करते हैं जब हमें उसका एंड पॉइंट नहीं पता। मतलब जैसे ये 5 डिजिट है, नेक्स्ट टाइम ये 6 होगा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या फिर इवन 2 हो सकता है। हमें वो नंबर का लेंथ नहीं पता, मतलब जब भी कभी आपको कंडीशन नहीं पता उसका लिमिट कहाँ पे है, तब हम लोग व्हाइल लूप यूज करना। जैसे इस केस में मुझे पता है मुझे 5 ही चाहिए था स्टार वाले पैटर्न में, राइट वैसे केस में हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग इसको डिबग करते हैं। और व्हाइल लूप क्या होता है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होता तब तक अंदर जाता है, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक अंदर जाएगा। जिस समय जिस पॉइंट पे कंडीशन फेल हो जाएगा तब ये आएगा। देखो जैसे कि एग्जांपल पे ये जो नम है, नम में क्या है देखो, 1 2 3 4 5 है। रेव नम में क्या है, 0 है। उसने यहाँ पे आया, नॉट टेल मी ये जो नंबर है ये नॉट इक्वल टू 0 है, बराबर है, नम नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आया। तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर में याद है ये परसेंट साइन हम लोग यूज क्यों करते हैं, 1 2 3 4 5 उसका डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो आपको रिमाइंडर में क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? हेलो, यस सर तो रिमाइंडर मुझे क्या मिला, 5 मिल गया। अभी इस स्टेप में देखिए रिवर्स नंबर जो है उसका वैल्यू कितना है, अभी 0 है, तो टेल मी 0 × 10 प्लस रिमाइंडर, मतलब 0 + 5 कितना हुआ, 5 आया। और ये किसमें स्टोर हुआ, रेव नंबर स्टोर हुआ। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर हेलो, सब लोग एग्री हो? अभी नेक्स्ट केस में क्या, ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, क्या किया उस नंबर को उन्होंने 10 से डिवाइड किया, मतलब इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 1 2 3 4। और ये किस में स्टोर हो रहा है, नम में स्टोर हो रहा है। तो अब ये चेंज होगा इसकी जगह 1 2 3 4 आए, बराबर। और रेव नंबर में क्या गया अपना, 5 गया, इसकी वजह से यहाँ पे आएगा। वो क्या कर रहे देखो, इस नंबर को फिर से 10 से डिवाइड कर रहा है, 1 2 3 4 को उसने वापस 10 से डिवाइड किया, आपको रिमाइंडर कितना मिला, 4 मिला। अब इस फॉर्मूले में देखिए क्या कर रहे हैं, देखो रेव नंबर में क्या आया ऑलरेडी, 5 है, 5 × 10 कितना हुआ, 50 हुआ, प्लस रिमाइंडर में क्या आया, ये 4 आया, 50 + 4 कितना, 54 हुआ। किस में स्टोर हुआ, रेव नंबर में स्टोर हुआ, तो यहाँ पे आ रहा 50। नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट इसमें क्या किया, उस नंबर को वापस से 10 से डिवाइड किया, तो 1 2 3 4 का 10 से डिवाइड करते हैं तो नंबर क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा, ये कटेगा 1 2 3। देखो अगर ऑब्जर्व करो स्लोली स्लोली एक एक डिजिट कम हो रहा है ना, अभी अभी वही प्रोसीजर, इस 1 2 3 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, 3 आया, बरा। यहाँ पे क्या किया देखो, रेव नंबर में क्या है, 54 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई किया, 10 से किया, प्लस रिमाइंडर कितना है, 3 है, तो देखो 540 + 3 कितना, 543 है। और किस में स्टोर हुआ, रेव नंबर में, तो इसकी जगह भी क्या, 543 है, बरा। फिर ये लाइन एग्जीक्यूट किया, उसने क्या किया, वो जो 1 2 3 था उसको उसने 10 से डिवाइड किया, 1 2 3 को 10 से डिवाइड किया तो मिला गया 10, सॉरी 12 मिला। ये किस में स्टोर हुआ, नम में, तो इसकी जगह आ गया 12। फिर नेक्स्ट इटरेशन में ये जाएगा, 5 4 3 2 आएगा और यहाँ पे रिमेनिंग 2 आएगा। नेक्स्ट इटरेशन में ये यहाँ पे 1 आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। नेक्स्ट इटरेशन में ये 0 हो जाएगा, 0 होने के बाद यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ, फेल हुआ, इसीलिए इससे बाहर आया और उसने रेव नंबर में जो भी प्रिंट है वो प्रिंट किया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? अभी सर इधर इंट रिमाइंडर है ना ऊपर इजिकल टू नम मॉड्यूल 10 है, इधर हाँ, मॉड करना है ना, डिवाइड नहीं मोड क्या करना। करते हैं, मोड आपको रिमाइंडर देते हैं यार हमेशा देते हैं। आप हम हाँ लोग जो 10 12 में मोड पढ़े हैं, मोड मतलब पॉजिटिव करना, वो वाला मोड नहीं होता, यहाँ पे वो रिमाइंडर देता है, याद रखिए। आपका वही क्वेश्चन है राइट, यस सर, आप बोले कि डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे तो देखो ये जो नहीं आएंगे। परसेंट है ये परसेंटेज विल गिव अ रिमाइंडर, ऑलवेज रिमेंबर।
जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का अगर मैं डिवाइड बाय 10 करता हूँ तो ये रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, नॉट अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन रिमाइंडर आपका यहाँ पे स्टोर हो रहा है और उसी को आप ऐड कर रहे हो पहले नंबर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हो। यस क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग 10 मिनट में करते हैं, अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, मैं आपको नया लिंक देता हूँ, चलेगा? 10 मिनट के बाद हम लोग कंट करते हैं, ठीक है? ओके सर। चलो।